नमस्ते बच्चों, मैं आपको मौर्य राजवंश के शासन से पूर्व के शासनकाल के बारे में थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। 600 से 300 ईसा पूर्व के इस काल को अलग अलग नामों से जाना जाता है इतिहास में। इसे महाजनपद का काल भी कहा जाता है, इसे बुद्ध युग पुरुष का काल भी कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय मूलतः पाली भाषा में लिखी गई। प्राचीन काल की महत्वपूर्ण भाषाओं में पाली भाषा का नाम सबसे महत्व रखता है। संस्कृत उस काल के बुद्धिजीवियों की भाषा कहलाती थी, लेकिन जो सामान्य और आम आदमी था वो पाली और प्राकृत में अपनी बात करता था, और ये आम व्यक्ति को समझने के दृष्टिकोण से बहुत सरल भाषाएं थी। बौद्ध साहित्य अधिकांशतः पाली भाषा में लिखा गया, जबकि जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। दोनों जो धर्म हैं ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म माने जाते हैं, जब भारत में प्रथम धार्मिक क्रांति को आयोजन किया गया, और इन दो धर्मों के साथ साथ भारत में 30 नए धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। जनपद के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत जो था उसमें 16 जनपद थे। उत्तर पश्चिम भारत में 2 जनपद, दक्षिण भारत में 1 जनपद और उत्तर भारत में 13 जनपदों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। जिन जनपदों का उल्लेख है इतिहास में उनका नाम क्रमशः इस प्रकार से है। पहला मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह, जो बाद में पाटलिपुत्र पर स्थानांतरित कर दी गई। दूसरा है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। तीसरा है मल्ल, जिसकी राजधानी पावा थी, जो बाद में काशी में पहुंच गई। ये पावा वर्तमान में बिहार में और काशी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से विजी और लच्छवी जनपद, इनकी राजधानी वैशाली में है, जो बिहार में स्थित है। इसी प्रकार से काशी जनपद, इसका राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। अगला है सुरसेना, जिसकी राजधानी थी मथुरा। फिर अगला जनपद है पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्रपुत्र। अगला है कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रवास्ती थी। अगला जनपद है मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर, जो जयपुर के नज़दीक है। फिर अगला है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। फिर है चैदी, जिसकी राजधानी सुकमती थी। अवंती और चैदी दोनों मध्य एशिया में स्थित हैं। चेदी बुंदेलखंड को कहा जाता है। इस प्रकार से उत्तर पश्चिमी भाग में गंधार, जो जिसकी राजधानी तक्षला थी, जिसका वर्तमान नाम रावलपिंडी है। इसी प्रकार से कंबोज, जिसका जो ये दोनों के क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत में है। इन महाजनपदों का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसी प्रकार से जो अंतिम महाजनपद है वो कंबोज है, जिसकी राजधानी राजापुर था। ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में स्थित है। महाजनपदों का अपना एक अलग इतिहास रहा है। और दक्षिण भारत का जो महाजनपद है वो अशमक है, जिसकी राजधानी पोदोना था, जो दक्षिण भारत में है। महाजनपदों का अपना इतिहास रहा है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो महाजनपद इतिहास में है प्रथम दौर में वह है मगध। मगध के यदि इतिहास को उठाएं तो इसमें 3 महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया। हरिणक राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंद राजवंश। हरिणक राजवंश के जो संस्थापक राजा थे वो बिंबिसार थे। ये इस वंश के संस्थापक राजा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जिन नीतियों का अनुसरण किया वो था युद्ध की नीति और हड़पने की नीति। युद्ध के माध्यम से ये दूसरे प्रदेश पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लेते थे।
उदाहरण के लिए अंग को इन्होंने अपने राज्य में इसी तरह से मिलाया। दूसरी इनकी नीति का भाग, जो मुख्य भाग था, वो था विवाह संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का को बढ़ाना। इन्होंने इनके शासनकाल में सर्वा जो महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध हुए वो कौशल राजकुमारी कौशल देवी से इनका विवाह हुआ, जिसके कारण इनके राज्य की सीमाएं बढ़ गई। तीसरा, ये रणनीतिक तरीके से भी अपने राज्य का विस्तार करते थे। उदाहरण के लिए इन्होंने बिम्बिसार जीवक को अवंती भेजकर वहाँ के शासक से दोस्ती की और उस बाद में उसको अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से युद्ध, कूटनीति और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से हिरण्यक वंश के शासक बिम्बिसार ने अपने राज्य का प्रसार किया। उनका उत्तराधिकारी अजातशत्रु था, जिसे पितृहंता की उपाधि भी दी गई। उसकी राज्य को प्रसारित करने के जो मूल मंत्र था उसका, वो था युद्ध नीति थी। और उसी युद्ध के परिणाम स्वरूप उसने काशी, वैशाली, मल और कौशल को अपने राज्य में मिला लिया था। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। धन्यवाद।